अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारी किचन में बनने वाला है हरीरा, और ये न्यू मदर को दिया जाता है। ये बिल्कुल अमृत का काम करता है। सर्दी के मौसम में आप भी इसे ले सकते हैं, ये बहुत फायदा करता है क्योंकि ये ड्राई फ्रूट और गुड़ से बना हुआ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो ड्राई फ्रूट की यहाँ पर कोई क्वांटिटी नहीं होती है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट आपको ज्यादा पसंद है वो आप इसमें ज्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है तो वो कम भी डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर हमने लिए हैं बादाम, काजू, चिरौंजी, पिस्ता, किशमिश और सूखा नारियल। और यहाँ पर हमने ली है गोंद और मखाने, एक चम्मच हल्दी पाउडर, खसखस और लिया है जिंजर पाउडर, और एक कप हमने यहाँ पर गुड़ लिया है। एक चम्मच हम लेंगे घी, और घी को हल्का सा गरम, और घी को अच्छे से गरम हो जाने देंगे, और घी के गरम होते ही ये गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो हरीरा हम थोड़ा कम बना रहे हैं। अगर आप हरीरे को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो फिर सारे ड्राई फ्रूट और गोंद, घी, ये सारी चीज़ों को आप ज़्यादा ले लें। और गोंद को हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर ये ज़रा सी भी कच्ची रह जाती है तो फिर जब हम इसे खाते हैं तो ये दांतों पे चिपकती है। तो यहाँ पर गोंद को आप बहुत अच्छे से फ्राई कर लें। तो बस ये अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसे हम निकाल लेंगे। बची हुई घी में ये मखानों को भी फ्राई कर लेंगे। तो मखाने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसमें एक चम्मच घी और डालेंगे और ये सारे ड्राई फ्रूट इसमें फ्राई कर लेंगे। तो बस ये ड्राई फ्रूट भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में एक चम्मच के करीब घी और डालेंगे, और घी के गरम होते ही इसमें हम डाल देंगे ये लौंग, और लौंग जब हल्की सी फ्राई हो जाए तो इसमें हम डालेंगे ये खसखस, और खसखस को भी लौंग के साथ भून लेंगे। खसखस जब थोड़ी भून जाए तो इसमें हम डालेंगे ये हल्दी पाउडर, और कुछ सेकंड के लिए ये हल्दी पाउडर भी भून लेंगे। गैस को हमने यहाँ बिल्कुल स्लो रखा है। हल्दी और खसखस जब अच्छे से भून जाए, कुछ सेकंड लगते हैं इसे भूनने के लिए, अब इसमें हम डाल देंगे ये मखाने और गोंद, और ये ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था, और बस अच्छे से ये सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर देंगे। फ्लेम अभी हमने यहाँ पर स्लो ही रखा है। तो बस ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो दो कप के करीब इसमें हम पानी डालेंगे। अब यहाँ गैस के फ्लेम को फुल पर रखेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो आप ये न्यू मदर को दें, ये बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो फिर आप इसे दूसरे दिन से दे सकते हैं, और सिजेरियन है तो 15 से 20 दिन के बाद में डॉक्टर की सलाह से आप इस हरीरे को दे सकते हैं। बहुत मज़े का और बहुत फ़ायदेमंद ये हरीरा होता है, इसे आप भी ले सकते हैं। ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है जोड़ों के दर्द के लिए, सर्दी के लिए, जुकाम के लिए, और अभी जो ठंड पड़ रही है उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे, और गर्माइश के लिए हम इसमें डालेंगे जिंजर पाउडर। यहाँ पर इसे नॉर्मल बना रहे हैं, अगर आप इसे न्यू मदर के लिए बना रहे हैं तो इसमें गर्माइश के लिए और भी चीजें डाल सकते हैं। तो ये पानी में जब अच्छे से उबाल आने लगे इसमें हम डाल देंगे ये गुड़, और बस गुड़ को भी अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ फ्लेम को हम फुल पर रखेंगे और इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। जो हमने गुड़ डाला था वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और अच्छे से पक भी जाए, हमें इसे तब तक पकाना है। तो 3 से 4 मिनट हरीरा जब पक जाए गुड़ डालने के बाद में, तब हम गैस को बंद करेंगे और इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो ये देखिए हरीरा तैयार है, और ये बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। तो ये लीजिए सर्दियों का टॉनिक हरीरा, बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार और बहुत हेल्दी, आपकी घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, कमजोरी के लिए बहुत फ़ायदा पहुँचाता है, और न्यू मदर के लिए तो ये अमृत का काम करता है। तो रेसिपी आप ज़रूर बनाएं, रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।